क्या प्रॉब्लम है मेकर्स को और सलमान खान को मनीषा रानी से? वेल, आज का एपिसोड मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लोग इतना ज़्यादा गिर जाएंगे टीआरपी के लिए, इतना ज़्यादा गिर जाएंगे अपने व्यूज़ के लिए कि किसी एक लड़की को इतना ज़्यादा ये डीमोटिवेट करेंगे। और बहती हुई गंगा में कहते हैं ना, लोग हाथ धोते हैं, उसी तरीके से पूजा भी कोई कसर नहीं छोड़ती। आज जो कुछ सलमान ने हरकत की है यहाँ पर मनीषा रानी के साथ, उससे ज़्यादा घटिया हरकत यहाँ पर पूजा भट्ट ने की है। वेल, ऐसा लग रहा है कि इनका जो मिशन अभिया था पहले दिन से, क्योंकि इनकी एक स्क्रिप्ट थी वो फॉलो नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर अभिषा बन गया, मनीषा एक दोस्त बन गए, तो जिया का बीच में आना कोई बनता ही नहीं है। तो लास्ट कुछ हफ्ते बचे हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक रियल बॉन्ड जो है ना वो बन गया और इस रियल बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तो मेकर जो है ना अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर बेबिका कुछ भी कहे, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करे, किसी को बोले तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगी, किसी को बोले कि तेरे माँ बाप तुझ पे थूकेंगे, कुछ भी बोले, मर्दों को देख के तू फिसल जाती है। मर्दों से ही क्या बोला था, करियर है, मर्द ही तेरा करियर है। क्या आप बताइए, क्या ये छोटी छोटी बातें हैं? क्या ये एक लड़की के लिए कही जाने वाली बातें हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे ये सारी बातें नहीं लगती हैं। अगर आप किसी एक बंदे को, मैं नहीं कह रही हूँ कि एल्विश ने सही चीज़ें बोली, एल्विश ने भी गलत चीज़ें बोली हैं, लेकिन अगर आप एल्विश की बातों को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, तो कृपया करके बेबिका की बातों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए था, बेबिका को भी गलत बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, प्रोमो में छापा जाता है कि बेबिका को गलत बोला जा रहा है। क्यों? प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि बेबिका की वाट लग रही है, बेबिका की क्लास लगा रहे सलमान खान, ताकि क्या हो कि मनीषा बाहर चल रही है, अभिषेक बाहर चल रहा है, एल्विश बाहर चल रहा है, तो जो फैंस है ना वो देखेंगे आज तो बेबिका की क्लास लगेगी। लेकिन जब बिग बॉस का एपिसोड में ना करके देखेंगे ना, तो ये होगा कि बेबिका को सिंपथी मिल रही है, क्लास तो इन तीनों की लग रही है। जी हाँ, फिर यहाँ पर लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ये पूरी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर सलमान खान ने आज जो मनीषा के साथ हरकत करी है, एक बंदा अगर कोई रो रहा है, मेरा भी दोस्त कोई रो रहा होगा, मेरा इनफैक्ट दुश्मन भी रो रहा होगा ना, मैं उसको चुप कराने जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा नेचर है, मेरा नेचर है। मैं थोड़ा कनेक्ट करती हूँ मनीषा के साथ, क्योंकि सच बोलूँ कसम से वो मेरा नेचर है कि मेरा एक दुश्मन भी रो रहा होता है ना, तो मुझे वो बुरा फील होता है। तो इनफैक्ट आज मुझे मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, जब एल्विश रो रहे थे अपनी मॉम को देख करके, वो बंदी चुप कराने जाती है, तो सलमान खान क्या कहते हैं, इरिटेट मत करो, जाके बैठो जा करके। ये आपकी तमीज़ है सलमान सर, ये आपकी तमीज़ है। सच बोलूँ तो मुझे आप बहुत पसंद थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब एक शो के लिए आप किसी एक बंदी को डीमोटिवेट कर रहे हैं। क्या आपने कभी उसका स्ट्रगल देखा है? क्या आपने देखा है कि उसने क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में झेली है, यहाँ तक के पहुँचने के लिए, यहाँ तक के आने के लिए उसने कितना ज़िंदगी में स्ट्रगल किया होगा? क्या आपने सोचा है? आपने एक मेन एपिसोड छाप करके, एडिट कर करके उसको डीमोटिवेट कर दिया, उसको ना जाने कितनी गलत गलत बातें बोल करके उसको डीमोटिवेट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर सलमान ने अपनी बात बोल दी, जो भी उनको बोलना था। यहाँ पर सलमान खान का कहना है कि ये इरिटेट करती है, तुम चलो पहले इरिटेट करो। वो जो टास्क है आपने देखा था, डेविल वाला टास्क था, डेविल और एंजल वाला, उसमें डेविल बेबिका लगातार पोक कर रही थी, लगातार चीज़ें बोल रही थी, उसको गंदी गंदी बातें बोल रही थी, क्योंकि ये एंजल थी, इसने क्या किया, गले लगाया। अब ये बताओ, किसी को गले लगाना इरिटेट करना होता है, इंस्टिगेट करना होता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, उसकी शक्ल पे भी नहीं दिखा, वो बहुत ही प्यार से गले लगा रही थी, क्योंकि एंजल्स ये करते हैं, कहते नहीं है कि आपको लाख बातें कोई भी कुछ भी बुरा बोले, लेकिन एक फरिश्ता आपको प्यार से ही देखेगा, तो वो चीज़ कर रही थी। अब इसका मतलब ये है कि सलमान का कहना है कि तुम ना इरिटेट कर रही थी, उसके बाद जाहिर सी बात है इरिटेट कर रही हो, आग लगा दी तुमने, ये आग लगाती है, सोचिए कब आग लगाया है, आग लगाती है मनीषा रानी, आग लगाती है, इरिटेट करती है, इंस्टिगेट करती है, उसके बाद यहाँ पर बेबिका जो है ना आग बबूला हो जाती है। अगर किसी को हक करके ये रौद्र रूप निकलता है, किसी को इतनी चीज़ें, अगर हक करने से इतनी सारी चीज़ें कोई बोलता है, तो मनीषा अगर 10 बात इसको बोलेगी जिस तरीके से मनीषा को बोलती है, तो फिर इनका कैसा रूप निकलेगा, मैं वो देखना चाहती हूँ, फिर इनका कैसा रूप निकलेगा। मनीषा में वो इंसानियत थी, उसने 4 बातें अगर बोली,
उसके पेरेंट्स को, तो जा करके कैमरे में भी सॉरी बोला, इनफैक्ट वो रोई भी, उसने बेबिका को भी सॉरी बोला। क्या बेबिका ने सॉरी बोला? नहीं बोला, क्योंकि बेबिका सॉरी फील करती नहीं, उसको लगता है कि जो मैं कहती हूँ सही कहती हूँ। इनफैक्ट मेकर्स को भी लगता है कि जो भी बेबिका कहती है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, किसी को कुछ भी बोलती है, सब कुछ राइट है। पूजा मैडम को देखिए, मुझे लगता है बाहर निकलने के बाद पूजा मैडम को एक महानता वाला ना अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी इस बंदी में तमीज नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है कि लगातार एक लड़की को आप डीमोटिवेट कर रहे हो। आज तो मतलब उससे आपको घिन आ रही है, बैठने में उसके साथ आपको घिन आ रही है। जो भी एल्विश की चीजें हुई थी, बेशक वो उस चीज का कन्वर्सेशन थी, मैं उस चीज को नहीं बोल रही हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताओ वो जो बातें बोली गई उसमें मनीषा की गलती कहाँ से थी। पूजा मैडम का कहना है कि अगर वो लड़की उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होती तो ये बात वहां तक नहीं पहुंचती। सोचिए, ये बात वहां तक के नहीं पहुंचती, उसका कहाँ से इन सारी चीजों से लेना देना था। वो तो वहां पर बैठी थी, जो बातें हो रही थी, जब दोस्त मिलते हैं बात करते हैं। सलमान सर एक चीज बताइएगा, जो अभी दो हफ्ते पहले या फिर अभी जो वीकेंड के बारे में आपने जो सिगरेट उड़ाई थी, वो सिगरेट का आपको दिखा दिया गया था, मतलब कि क्या बोलते हैं कि ये एडिटर ने एडिट नहीं किया था, वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। अभी 24 आवर्स ना लोग कैमरे में है, 24 आवर्स, और कोई ना कोई चीजें निकलेंगी इंसान से, कोई ना कोई चीजें निकलेंगी। बेबिका से लाख चीजें निकलती हैं, क्या बेबिका की जो लाख चीजें निकली हैं उस पर आपने कुछ एक्शन लिया या फिर आपने नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उनके फादर की बड़ी पहचान है। बेबिका को बहुत ही प्यार से समझाया जाएगा, डायरेक्टर साहिबा को बहुत ही प्यार से समझाया जाएगा, क्योंकि बड़े लोग हैं। बाकी और जो लोग हैं ना, वो सब छोटे छोटे लोग हैं, यूट्यूबर्स की मतलब इनको यूट्यूबर से भी कोई लेना देने, यूट्यूबर्स ही सारे व्यूज और पैसे छाप रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर्स की क्लास लगा रहे हैं। मनीषा रानी जो इतना तुम लोग टारगेट कर रहे हो ना, मनीषा के भी फैंस कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा मैडम की कुछ बातें मुझे बहुत बुरी लगी कि मतलब बंदी बोल रही है कि सारी गलती उसकी, अगर वो वहां पर नहीं होती, वहां बैठी नहीं होती तो ये बातें वहां तक के नहीं आती। उसके बाद अभिषेक जब आते हैं तो अभिषेक अपनी गलती जो एक्सेप्ट करते कि मैं उस कन्वर्सेशन का हिस्सा था, मैंने भी मतलब उसके लिए मैं सॉरी हूँ जिया एंड बेबिका, तो कहती है कि मनीषा का आग लगाना जो है ना, वो जो है ना बढ़ रहेगा। साथ ही वो कहती है कि अब मुझे उसके साथ बैठने में घिन आती है। सोचिए, इतनी घटिया बात मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी पूजा से। मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़े बड़े लोगों में बड़ी अच्छी समझ होती होगी, लेकिन नहीं, ये इतना ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और किसी एक को मतलब ऐसा टारगेट करते हैं, बोलती है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी, अब नहीं पसंद करती हूँ, अभी मतलब एक दूरियां बन गई है। ऐसा उसने क्या कर दिया जो दूरियां बन गई है, ऐसा उसने क्या कर दिया? मुझे लगता है कि आपकी जो कास्टिंग घटिया कास्टिंग थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इनफैक्ट उसको तो जनता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको तो जनता ने भी मना कर दिया कि आपकी कास्टिंग नहीं पसंद आई। कभी आप उसको विलन बना रहे हो, मेकर्स को भी ये चीज नहीं पसंद आई कि ऐसे कैसे हमारी स्क्रिप्ट को इसने खराब कर दिया। हमने तो चाहा था कि मनीषा को विलन बनाएंगे, चलो मनीषा विलन नहीं बनी है तो चलो इसको साइड कैरेक्टर में ही डाल दो, चलो इसको उसमें डाल दो, क्या बोलते हैं जिसका किसी से कोई लेना दे, पासिंग शॉट में डाल दो। हाँ, पासिंग शॉट में उसको डाल दिया गया था जानबूझ करके। और यहाँ पर बिग बॉस किस तरीके से चीजें उसको बता रहे थे कि आपको ही कास्टिंग करनी है, आप ही डिसाइड करोगे, आप ही को सब कुछ करना है, कर लो। देखो, जो करना है बेशक करो, लेकिन किसी को इतना डीमोटिवेट मत करो, किसी को इतना डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और उसको सब कुछ दिख रहा है। मनीषा बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की है, और जो कुछ भी अगर उससे कोई गलती भी होती है तो कोई वो जानबूझ करके नहीं करी, कोई इंटेंशन के साथ नहीं कर रही है। जितनी वो रियल है, जितनी वो सही है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लड़की उतनी बिग बॉस के घर में अभी इस वक्त सही होगी। और जैसे आप लोग उसको टारगेट कर रहे हो, मतलब हंस हंस के करती है, हंस हंस के मतलब ये करती है, हंस हंस के वो करती है, आपका ये नेचर है, तो यार नेचर सबके अलग अलग होते हैं। अगर
वो यहाँ पर दिल से और दिमाग से दोनों सोच रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली इनको प्रॉब्लम ये तब से हुई है कि मनीषा अब जो है ना एंटरटेन नहीं कर रही है, क्योंकि मनीषा अपना दिमाग चला रही है, मनीषा अपना दिमाग और दिल दोनों चीज़ें चला रही है, बेसिकली हो ये रहा है। और मनीषा जब दिल और दिमाग चला रही है तो उसका गेम और भी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। इनको क्या लग रहा था कि एक हमेशा ही सोचते हैं कि एक कॉमेडी वाली लड़की लेकर के आओ या कॉमेडी वाला लड़का लेकर के आओ, उससे कॉमेडी करवाओ और फिर काम निकलने पर जैसे दूध में मक्खी निकाल करके फेंकी जाती है वैसे फेंक दो। इन्होंने मनीषा रानी को भी सेम वैसा ही सोचा था, लेकिन मनीषा इनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा निकली। उसने दिल और दिमाग दोनों से ही गेम खेला, उसने एंटरटेन भी किया, उसने दिमाग में भी अपना गेम लड़ाया। यही लोग हैं जो कि इनके बिग बॉस के घर में कोई दिमाग से गेम खेलता है ना तो बोलते हैं अरे ये तो मास्टर माइंड ऑफ द बिग बॉस हाउस है, लेकिन नहीं, मनीषा अगर ऐसा कर रही है ना तो वो फेक है, फेक है, फेक है। देखिए फेक कहने से कुछ नहीं होता, मुझे लगता है कि ये जितना जितना कुछ भी करना चाह रहे करें, बेशक करें, इनका शो है, लेकिन जनता अंधी नहीं है, इनको इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। जनता की दो दो आँखें वो सही से देख रही है कि आप क्या कर रही हो। मनीषा रानी मुझे नहीं लग रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन जिसका स्ट्रगल होता है ना, जिसने इतना स्ट्रगल किया होता है ना, मैंने मनीषा की पूरी स्टोरी सुन रखी है, उनके पापा ने सारी चीज़ें बताई है कि उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, और भी इतनी सी उम्र में एक इंसान इतना कुछ करता है ना, तो ऑफकोर्स यहाँ तक के पहुँचने में उसने बहुत ही मेहनत और शिद्दत लगाई है, और मेकर्स उसको डिमोटिवेट कर रहे करो बेशक करो, लेकिन वो इतनी आसानी से आपकी जो एक स्क्रिप्ट है ना उसको फॉलो नहीं करेगी, वो डिमोटिवेट नहीं होगी, वो कदम से कदम लड़ा करके चलती रहेगी और आपको करारा जवाब देगी। जनता इज वॉचिंग बिग बॉस और वो सही से देख रही है कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। वो एक घंटे एपिसोड जो देखते होंगे वो हो सकता है जज करें, लेकिन जो लाइव फीड कई कई घंटे देखते हैं ना, वो मनीषा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनीषा कैसी है। वेल, आपका क्या कहना है? आज थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अपना लेक्चर दे दिया, क्योंकि मुझे सच में आज काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, मुझे सच में मनीषा के लिए काफ़ी बुरा लगा जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।